आदरणीय सिस्टर रूपा, सिस्टर हेमा, सिस्टर शुभा, यहाँ उपस्थित सभी सिस्टरगण एवं शिक्षक वृंद, सुप्रभात। 12 जुलाई नोटरडेम के इतिहास में एक विशेष स्मरणीय दिन है। संत जूली बिलियार्ड, जो नोटरडेम धर्म बहनों की संरक्षिका संत हैं, उनका जन्मदिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अतः आज इस शुभ दिन में हम सभी शिक्षकगण आप सभी धर्म बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। प्रस्तुत है प्रार्थना नृत्य, जिसके द्वारा हम ईश्वर की आशीष ग्रहण करें। Gratitude to all the sisters.
is something. संत जूली आध्यात्मिक विरासत हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य ईश्वर में असीम विश्वास के साथ समाज में परिवर्तन लाने की जिम्मेदारियों का अनुपालन था। संत जूली का जन्म 12 जुलाई 1751 ईस्वी में फ्रांस के उत्तर में कुविली के एक छोटे से गांव में हुआ था। ये बचपन से ही व्यवहार कुशल, कर्मठ और ईश्वर में अटूट आस्था रखने वाली थी। इनके पिता की एक छोटी सी दुकान थी। एक दिन कुछ उपद्रवियों ने इनके पिता की हत्या कर दी। इस दुर्घटना से इन्हें ऐसा सदमा लगा कि ये 14 में ही पक्षाघात का शिकार हो गई। फ्रांस की क्रांति के समय राजनीतिक और धार्मिक उथल पुथल मचा हुआ था। जूली क्रांतिकारियों से छिपती हुई जिंदगी बिताने लगी, जिससे इनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता चला गया। परिणाम स्वरूप इन्हें पूरे शरीर में पक्षाघात हो गया। एक अपंग के रूप में 23 के बाद जूली ने मई 1804 के अंत में यीशु के पवित्र हृदय के लिए एक नवीनता विशिष्ट इरादे से अनजान चमत्कारिक ढंग से चलने की अपनी शक्ति वापस पा ली। 1 जून 1804 को फादर एन्फेंटिन ने इन्हें यीशु के पवित्र हृदय के सम्मान में कदम उठाने का निर्देश दिया। इसके बाद फादर वरीन ने कुछ युवा अनाथ लड़कियों की देखभाल जूली के हाथ सौंपा और उन्हें उन युवा महिलाओं को खोजने के लिए कहा जो जन्म से या भाग्य पर ध्यान दिए बिना उनकी देखभाल करेंगी। इन बहनों ने यह शपथ लिया कि वे ईश्वर में विश्वास के साथ संत जूली के साथ गरीब बच्चों को शिक्षित कर समाज को विकसित करेंगी। संत जूली ने फ्रांस और बेल्जियम में अनेक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की। महान शिक्षाविद संत जूली की ईश्वर में पूर्ण आस्था एवं मानवीय संवेदना अनुकरणीय है। वह जीवन पर्यंत यह कहती रही, हाउ गुड इज द डियर गुड गॉड। मदर जूली, जिन्होंने नोटरडेम सिस्टर्स समुदाय की स्थापना की और इस संस्था से जुड़ी
यहाँ उपस्थित व अनुपस्थित सभी धर्म बहनों की प्रेरणा का स्रोत रही। नोटरडेम के नाम से विख्यात इस विद्यालय का आरंभ 1850 ईस्वी में कोसफील्ड जर्मनी में हुआ। भारत के अतिरिक्त इटली, हॉलैंड, इंग्लैंड, संयुक्त अमेरिका, ब्राजील, इंडोनेशिया, कोरिया, पापुआ न्यूगिनिया, तंजानिया, केनिया, युगांडा, मोजाम्बिक, फिलीपींस और चीन में है। 31 अक्टूबर 1949 को 6 अमेरिकन धर्म बहनों ने इस मिशन और प्रेरणा के साथ भारत आई कि उन्हें भारत में शिक्षा का उत्थान करना है। आज इन धर्म बहनों द्वारा केवल विद्यालय ही नहीं, स्वास्थ्य केंद्र और अनेक समाज कल्याण केंद्र भी चलाया जा रहा है। हम सभी इन के सेवाओं के आभारी हैं। आइए आज हम यहाँ उपस्थित नोटरडेम समाज की सभी धर्म बहनों और इस संस्था से जुड़ी विश्व की सभी धर्म बहनों के कठिन परिश्रम, इनके द्वारा समाज को दिए गए सभी योगदानों के लिए धन्यवाद देते हुए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि इन्हें संत जूली के सभी गुणों, नम्रता, धैर्य, त्याग, सहनशीलता और कर्मठता से नवाजें। इन्हें सदा स्वस्थ और सुखमय रखें। ये सदा संत जूली के पदचिन्हों पर चलती रहें। आमीन।